आपको बता दें कि स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बेनक्रॉफ्ट को दक्षिण अफ्रीका के वापस ऑस्ट्रेलिया लौटने के लिए कहा गया है। बाद में इन तीनों में ऑस्ट्रेलिया में सुनवाई होगी। इस मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की सीईओ जिम सदरलैंड ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से जानकारी दी थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में हंगामा लाने वाले बॉल टेम्परिंग विवाद में अभी अंतिम फैसला नहीं मिला है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले में तीन खिलाड़ियों में शामिल स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बेनक्रॉफ्ट को वापस करने के लिए उन्हें स्वदेश वापस लौटने का आदेश दिया गया है। जेम्स सदरलैंड ने बताया कि तीनों खिलाड़ियों पर अगले 24 घंटे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अंतिम फैसला आने से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने वार्नर को टीम की कप्तानी से हटा दिया। हालांकि टीम ने नए कप्तान की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि टीम में नए कप्तान इन चार खिलाड़ियों में से चयन किया जाएगा। हालोगे कतार में सबसे आगे न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन दिखते हैं। विलियमसन के अलावा मनीष पांडे, शिखर धवन और शकीब अल हसन भी लाइन में हैं। सब्सक्राइब करें हमारे क्रिकेट टॉप चैनल को और देखें क्रिकेट की हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।